Guys, go through the last lecture notes. If you have any doubts, please ask. सर वो अल्फा एंड बीटा नेफ्टल का नौ कैसे होगा वो बता सकते हैं? हाँ सर सही। मैंने कुछ भेजा तो था पिक्चर आपको ग्रुप में वो डाला। समझा ही नहीं, समझा नहीं। हेलो हाँ हाँ बोल रहा हूँ बेटा। हाँ यही था, देख लो। yes. ये बीटा वाला ना पहले तो आप क्या चीज ये बीटा ना था ये बीटा है। हाँ, बीटा कोई एक कर लो समझ जाओगे दूसरा वाला। हाँ हाँ वो ऑटोमेटिकली क्योंकि वही सब केसेस कवर होंगे ना, केवल आपको लेफ्ट राइट दोनों तरफ सोचना है ये मान के करना है। कोई भी ऐसी स्टेज जब आएगी जब वो लेफ्ट में भी जा सकता है राइट में भी जा सकता है तो दोनों आपको कवर करने हैं, ठीक है? यस। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इस वाले केस में क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल तो रेजोनेंस करके इधर जा रहा, हो सकता है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग भी देते, मतलब हो सकता है कि तुम्हें मैं दूसरे पेज में बना दूं, नहीं तो आपको लगेगा कि स्ट्रक्चर्स बढ़ गए। हो सकता है आपको वो ऐसा बनाकर भी दे दे, ये ऐसा है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हैं, वो ये वाला भी उसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। अब जैसे ये तो तुमने इसको यहां डाला, इसको यहां डाला, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। तो आपने कहा था नेफ्थलीन के केस में नंबर फिक्स्ड होती है, तो आपने कहा था नेफ्थलीन के केस में नंबरिंग फिक्स्ड होती है, लाइक एक ही तरीका जब आप नंबरिंग कर सकते हैं। फिर तुम गड़बड़ करो, तुम कहना क्या चाहते हो बेटा, नंबरिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर अल्फा बीटा की पोजीशन कह रहा हूं? अल्फा बीटा का पूछ रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे जो आपने डायग्राम बनाया है वो एक बार दिखाएंगे सर? पोजीशन तो वही रहेगी ना यार। हाँ तो इसमें नंबरिंग कैसे होगी, अल्फा मतलब बीटा यहाँ पे क्यों आया? दो रिंग ऐसी हैं, इतना समझ में नहीं आ रहा, ये ऊपर का दिख रहा है ये वन है, ये बगल वाला टू है, वो क्या कहाँ चेंज हो रहा है किसी में? वन उसको तब बोलेंगे ना जब उसमें टू बॉन्ड्स आएंगे, लाइक थ्री बॉन्ड वाली रिंग इस साइड अगर, तो कौन बोला है तुमको कि वन तब बोलेंगे जब यहाँ थ्री बॉन्ड्स होंगे या यहाँ टू बॉन्ड्स होंगे, ऐसा कहीं लिखाया है मैंने? मैंने तो आपको केवल डिजाइन दी, ये डिजाइन है। अब बताओ किसमें डबल बॉन्ड तीन है, किसमें डबल बॉन्ड दो है, कैसे पता चल रहा है तुमको? इससे थोड़ी ना मतलब है, पहला पॉइंट मतलब वन, ये टू, यहाँ नीचे से भी हो सकता है। यार कहीं से भी स्टार्ट करो, यहां से वन कर दो, जब तुमने ग्रुप यहाँ लगा रखा है तो नंबरिंग अल्फा बीटा तुम चाहते क्या यार? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछ रहे थे कि नंबरिंग में आकर के अटक गए, तुम कंफ्यूज नहीं करते हो पूरी क्लास को इस तरह से बीच में दो तीन क्वेश्चंस एक साथ डाल करके जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है? सर नहीं, आप एक बार आपसे पूछा था मैंने, आपने कहा था नेफ्थलीन का नंबरिंग फिक्स्ड होती है तो उसमें यही फिक्स्ड है, तो फिक्स दोबारा भी तो फिक्स्ड ही बोल रहा हूं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंडम इस तरह से क्वेश्चंस पूछ के आप एकदम सीख में, तुमने एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर चल रहा था, तुमने बीच में कुछ और डाल दिया,
बेटा तुम अकेले थोड़ी ना पढ़ रहे हो पूरी क्लास में, इतनी बड़ी क्लास का मतलब होता है सबको लेके चलना होता है। तो जब तुमने एक क्वेश्चन पूछा, सारे बच्चों का फोकस एक जगह पर है, तो तुम उसमें रैंडम कोई भी क्वेश्चन दूसरा डाल दोगे। जब पूरा ये फिनिश हो जाता उसके बाद तुम पूछते तो भी चलता। तो इस तरह से कुछ दो डिफरेंट क्लास के क्वेश्चन जबरदस्ती नहीं डाल देने हैं। ओके सॉरी जबरदस्ती के क्वेश्चंस डालोगे, और कितनी बार कहा है कि क्रिएट ना करें क्वेश्चंस को, जो डाउट्स हो उनको पूछें। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको मैंने ड्रॉ करके भी भेजा फिर भी तुम उसको नहीं डिसाइड कर पा रहे हो। बताओ मेरे को, तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। मैं ये करता चला जा रहा हूं, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर लास्ट में बोलोगे नहीं सर पूरा एक बार और बता दो। हाँ आ रहा है सर, पूरे 7 समझ में ऐसे, और 2 कौन से हैं? सही है तो 7 में सही है ना ये सब? वो तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा जो मैंने तुमको पिक्चर भेजी थी क्या तुमने वो देखा? हाँ सर वही देखा है, वही नहीं समझा। तो अरे भाई वो नहीं समझा तो बताओ ना उस पिक्चर में कि मेरे को ये छठवां डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, सेवेंथ डायग्राम समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे से सारा बनवा रहे हो, पूरी क्लास का लॉस है टाइम में। मैं दो तीन एग्जांपल्स मिस कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, ये तो नेचुरल है क्योंकि मुझे फिनिश करना है एक पर्टिकुलर पार्ट को। सर मैंने सारा बोला ही नहीं सर, मैंने बोला वो 7 के अलावा 2 कौन से, खाली वो बना दो, बेटा जब एक्सप्लेन तो जब कर। चीज बनाई जा, मुझे कैसे पता चलेगा 7 के अलावा 2 कौन से तुम पूछना चाहते हो? सारे बना के देखा जाता है, या फिर तुम मुझे डायग्राम भेजो कि ये 7 है, अब इनमें 2 और कहाँ है? नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं 2 ऐसे अचानक से बना भी दूंगा तो भी तुम बोलोगे कि सर ये कहाँ से आ गए। तो वो सब लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। जब तुम मुझे कोई डायग्राम दोगे अपनी तरफ से और बोलोगे कि ये मेरे बने हुए, इनमें वो 2 एक्स्ट्रा कहाँ है, मैंने डायग्राम आपको भेजा है, आइडियली उसको आप फॉरवर्ड करते और पूछते कि सर ये 7 है और ये जो आपने 2 एक्स्ट्रा दिखाए हैं वो कहाँ है और कैसे आए, देन आई कैन आंसर यू। ओके सर, वरना तो मैं पूरा बनाऊंगा, इसमें सारे बच्चों का लॉस है टाइम का। इस वाले डायग्राम में अब आप देखो नेचुरल तरीके से इधर गए, लेकिन आप देखोगे लोन पेयर सिंगल डबल, इसका मतलब इधर भी आप जा सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन है, लास्ट टाइम हमने क्या कर दिया था क्लास में, केवल एक डायरेक्शन में मूव किया, जबकि आपको दोनों डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये आपको मिलेगा यहां पर, जब मान लीजिए कि आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो डबल यहां आ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा, ये अनटच्ड है। अभी एक डायरेक्शन में पूरा जा रहे हैं, जितने अनटच्ड वाले केसेस हैं वो पहले इधर ड्रॉ कर दिया, फिर जहां पर चेंज हुआ है उस पोजीशन को दिखाया। ये डबल बॉन्ड इस तरफ आया, माइनस उधर मूव किया, अब फिर से लोन पे सिंगल डबल दिखा, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो ये वाले थे, यहां तक पहुंचे थे ये, लेकिन इधर भी आपको लोन पे सिंगल डबल दिया, एंड दैट विल गिव यू अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। आप उसको मैच करा के भी देख सकते हैं बाकी सबसे। यहां पर माइनस आएगा, डबल यहां मूव कर गया, अब माइनस सिंगल डबल यहां दिख रहा है, इसको भी ड्रॉ कर दो। तो ये 2 इधर से और ये 7 जो सीक्वेंस से आता है, बाकी लोग भी इसको कॉपी कर लें। हाँ सर समझा सर। ये पूरा पिक्चर मैंने भेजा हुआ था, उसमें तुम अगर ये पूछ लेते कि सर ये
पिक्चर आपने जो भेजा है इसमें ये 7 तो हमको पहले से आए, ये 2 कैसे आ गए, तो आपको बता देता मैं कि लोन पर सिंगल डबल है। मैं वही पूछ रहा था। वो पूछ रहे बेटा, मैं तो बोला ना पिक्चर मैंने भेजा हो, तुम कह रहे हमको समझ में ही नहीं आया कुछ। सर लाइक ये दोनों कैसे हो सकते हैं वो पूछ रहा था, एक ही लोन पे के दोनों तरफ कैसे जा सकता है, साइकिल में जाएगा ना। अभी भी डाउट है तुमको? नहीं अभी समझा। Should I remove this? Yes, sir. आप जितना टाइम इस तरह से वेस्ट कराएंगे वो आपका ही लॉस है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बाकी बच्चों से भी बोलूंगा वो डोमिनेट करें चीजों में, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि पूरी क्लास को 4 बच्चों ने जो है हाईजैक कर लिया है। आपको डोमिनेट करना पड़ेगा अगर आपको रैंक लानी है, ठीक है। आप जितना टाइम अच्छी चीजों के डिस्कशन में लगाएंगे उतना आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी। लास्ट लेक्चर मैंने कुछ होमवर्क दिया था, इफ यू रिकॉल वी वर डूइंग रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको आप बोलते हैं। सो आई एम टेकिंग 2 केसेस जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शायद बनाने को मैंने आपको दिया था। If you draw all resonating structures, आप match भी करा सकते हैं, मैं एक बार draw भी कर देता हूँ। Lone pair nitrogen का push किया आपने अंदर, standard way में बना रहा हूँ मैं, यहाँ plus आ जाएगा, यहाँ minus enter करेगा, फिर से आप इसमें electrons push कराएंगे आगे की तरफ, new resonating structure will be like this. So this way you get 5 resonating structures for this aniline. Or if you draw resonance hybrid, तो हर बार आपको जैसे पहले मिलता था partial bonding, throughout आपको partial bonding मिला। Nitrogen में कहीं neutral कहीं plus, तो यहाँ delta plus आएगा। ऑर्थो पोजीशन पे देखो तो कहीं पर माइनस कहीं पर प्लस, तो डेल्टा लिखा। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसके थ्रू हम कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस है, इस हम जो भी करेंगे उसको स्ट्रक्चर एक कोई ना कोई चूज करके इस तरह से करेंगे। दिस इज केस 1, आई होप सबने ड्रॉ कर लिया होगा, मतलब पहले से ही करके आए होंगे आप। एक इसका अपोजिट एग्जाम्पल है, ये शायद लास्ट लेक्चर ही किया हम लोगों ने, ये वाला, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करके रखिए साथ में। अभी अंदर इस बार प्लस आएगा, फिर प्लस का आप रेजोनेंस दिखा दो, इस तरह करके जब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो आएगा उसमें भी कुछ ऐसा होगा। इस बार डिफरेंस ये है कि इधर का तो ठीक है, यहां अंदर प्लस आएगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप ध्यान से देखो, वेदर इट इज केस 1 और केस 2, इन बोथ द केसेस मेटा पोजिशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। आई होप सबको विजिबल होगा। उस पे ना तो कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है वाया रेजोनेंस।
तो वो पोजिशंस अनअफेक्टेड होगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको ड्रॉ कर लो, आई विल गिव यू टू नोट्स और फिर कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। इवन इफ ये पहले से ड्रॉ किया है, केस वाइज करके इसको आप दोबारा ड्रॉ कर लो। सर सर सेकंड वाले केस में जो सेकंड डायग्राम है, आपने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का वो किया ना, हाँ तो लोन पेयर वाला भी कंसीडर केस लेना है, एक लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लोन पेयर वाला केस यहाँ नहीं बनता बेटा, लोन पेयर डबल बॉन्ड आ गया, लोन पेयर सिंगल डबल होना चाहिए, लोन पेयर डबल सिंगल नहीं। सेकंड वाले में आया ना, सेकंड वाले में आया ना, मैं आया सेकंड में। हाँ, अबे तो ये वापस बन जाएगा, दो वही तो पार्ट में डबल नहीं हो सकते, बॉन्ड वो वापस भी जा सकता है और वो सिंगल लोन पे सिंगल डबल भी जा सकता है। सर वापस क्यों बनेगा सर? सर वो CHO में डबल बॉन्ड आएगा और फिर वो अल्फा पोजीशन पे लोन पर आएगा। तुम लोग कंफ्यूज्ड हो, तुम शायद भूल गए, मैंने कहा था जब भी डबल बॉन्ड सिंगल डबल वाला जो केस होता है ना, उसमें डायरेक्ट लिखना डिफिकल्ट होता है, मैंने डायरेक्ट लिख के तुमको दिखाया, तो उसका एक तरीका मैंने तुम्हें बताया था कि पहले एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, इससे तुमको प्लस माइनस आ जाएगा ऐसे, और फिर तुम उसका रेजोनेंस लिखो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विजिबल होगा, प्लस सिंगल डबल, फिर तुम डबल को उधर शिफ्ट कर दो, प्लस को इधर ले आओ। तो मैंने ये काम डायरेक्ट किया है, इस वाले स्ट्रक्चर को अवॉइड या स्किप कर दिया है। कई बार ऐसे होंगे जो स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल होते हैं, वो पेपर पे ड्रॉ नहीं किए जाते, तो हो सकता है तुम्हें बुक्स में भी ये स्ट्रक्चर कम मिले, किसी बुक में मिले किसी में नहीं मिले। तो ये याद रखना, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन जो होता है ना, वो थोड़ा तुमको ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें उसके अलावा कुछ पॉसिबल ना हो और डिफरेंस ऑफ स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा ना हो, तो उसका टेंशन मत लेना तुम। कई बार ऐसा होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होगा बुक्स में कि कुछ स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल होते हैं, वो पेपर पे ड्रॉ नहीं किए जाते। मैंने तुमको हर एक चीज ड्रॉ करके दिखाई, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि प्लस माइनस पहले कर लो, फिर प्लस सिंगल डबल तुम्हें अच्छे से दिखेगा, समझ में आया? फिर तुमको ये नहीं लगेगा कि क्योंकि फिर तुम वो करोगे तो वापसी वाला हो जाएगा बेटा। यस सर। बोलो सर, ये जो आपने लिखा है मेटा पोजीशन रिमेंस अनअफेक्टेड, वो केस वन के लिए है ना सर? दोनों के लिए बेटा, दोबारा देख लो ना, कहां मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज है, मेटा ये है ना? हाँ जी, इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, अनअफेक्टेड ही बोला जाएगा ना? जी सर। इसका कोई कंक्लूजन है क्या सर? इसका फर्दर होगा ना, पांच स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, थोड़ा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अभी के लिए अवॉइड करो। Okay. अभी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, कोई जैसे मान लो सात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें कोई एक आध हाईली अनस्टेबल है, तो वो पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जाता, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इस वाले केस में मैंने ये वाला पहले ड्रॉ नहीं किया था, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में वही आएगा जिनमें सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की बात हो, ठीक है? Yes, तो एक दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया, तो उसको आप स्किप कर दो, उसको ज्यादा टेंशन मत लो। जब वो क्वेश्चन कोई आए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो तुम सारी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना,
ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हर हर चीज के लिए नहीं पूछा जाएगा, तो अवॉइड दैट। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब कोई हम ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस उस ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए। तो अभी मेरा ऑब्जेक्टिव आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ आ रही है वो दिखाना है, ना कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर चलें, तभी समझ में चीजें आएंगी और आपको एकदम सीक्वेंस में। बाद में डाउट आता है तो वापस आकर के पूछ लेना। सबने ड्रॉ कर लिया? सर, मेटा पोजीशन रिमेंस अनअफेक्टेड का क्या सिग्निफिकेंस है? अभी कोई सिग्निफिकेंस मैं नहीं बता सकता, अभी एप्लीकेशन वाले पार्ट में आएगा। अभी तो खाली तुमको बता रहा हूं, अगर तुम्हें इस बात पे डाउट है कि मेटा पोजीशन अनअफेक्टेड है, हाउ देन आई कैन टेल यू। नो सर, वो समझे। हो गया? यस सर। चलिए, अब आप ये पूछ सकते थे क्वेश्चन में कि ये केस वन केस टू में सेपरेट क्यों किया, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस, इसीलिए दो ही केसेस क्यों बनाए, तीसरा केस क्यों नहीं लिखा। तो उसमें एक चीज आप ये याद रखना, केस वन का पहले डिस्कशन करते हैं। केस वन की खास बात यह है कि उसमें जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, यानी अंदर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा कि डिक्रीज कर देगा? इंक्रीज। एंड इन अनदर केस यू हैव अटैच्ड अ ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। गाइस एक नोट लिखिएगा, लिखिएगा रेजोनेंस रिजल्ट्स, रेजोनेंस रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रेजोनेंस रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी than the case, than the case where there is no resonance. This increase in electron density, this increase in electron density at one position, this increase in electron density at one position and decrease at another position, decrease at another position is called mesomeric effect or resonance effect. Mesomeric effect or resonance effect. Next point. Mesomeric effect is a permanent effect. Mesomeric effect is a permanent effect. Inductive effect भी हमने पढ़ा था, that was permanent. दोनों permanent effect होते हैं, but difference है दोनों में. Mesomeric effect is a permanent effect and there is complete
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. सो फुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड. फुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड. हेंस हेंस मेसोमेरिक इफेक्ट गेट्स हेंस मेसोमेरिक इफेक्ट गेट्स मोर प्रेफरेंस गेट्स प्रेफरेंस ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. इसको अंडरलाइन कर लेना. हेंस मेसोमेरिक इफेक्ट गेट्स प्रेफरेंस ओवर इंडक्टिव इफेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट हैलोजन्स. हैलोजन्स मतलब सीएल बीआर एटसेट्रा. सर एक बार के बाद आप रिपीट कर सकते हो प्लीज. गेट्स प्रेफरेंस ओवर इंडक्टिव इफेक्ट इन द ब्रैकेट यू राइट एक्सेप्ट हैलोजन्स. गाइस एक बार दोनों पॉइंट्स आप पढ़ लो. Guys, any doubt? Sir, permanent का मतलब there is permanent effect. Permanent अभी उस पे आ रहा है. पहली चीज तो देखो जो लिखा हुआ है ना different distribution of electron density उसका मतलब ये है कि अगर मान लो resonance नहीं होता तो lone pair permanently nitrogen पे होता है ना. डबल बॉन्ड इसी जगह होता, ये डबल बॉन्ड इसी जगह होता. रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. दैट इज एक्चुअली जो हम बोलते हैं कि रेजोनेंस रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ये तो वो पॉइंट हो गया. फिर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, कहीं पर कम हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से. उसी को नाम दे दिया मेसोमेरिक इफेक्ट. आई थिंक दिस इज क्लियर. फिर यू आर आस्किंग परमानेंट इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि परमानेंट का इफेक्ट का मतलब होता है ये इसके इंटरनल कैरेक्टर है, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताता है कि लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, तो ये परमानेंटली सब चल रहा है. ये परमानेंटली हो रहा है यहाँ पर, यहाँ परमानेंटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. ये किसी इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ है कि बाहर से कुछ आया फिर अचानक से रेजोनेंस स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज परमानेंट. इंडक्टिव में भी वही चीज था कि सीसीएल बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, दैट इज परमानेंट. वो किसी इन्फ्लुएंस से पोलैरिटी जनरेट नहीं हुई है, वो अपने आप कार्बन और सीएल का इंटरनली कैरेक्टर था और वो परमानेंट ही मॉलिक्यूल में दिखाई देगा. इज इट क्लियर? कुछ तो वजह होगी वो इस फॉर्म में है. क्योंकि किसकी बात कर रहे हो तुम, इंडक्टिव की बात करें या रेजोनेंस, किसकी बात कर रहे हो? तुरंत बोलो. रेजोनेंस. तो रेजोनेंस में लोन पेयर सिंगल डबल ये एक्सपेरिमेंटली पता चल गया किसके अंदर रेजोनेंस है, तो चार्जेस डेवलप होंगे ही होंगे, खत्म कहानी. यहाँ पर परमानेंट क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए वो परमानेंटली उसी फॉर्म में रहते हैं. हम सीसीएल करके लिखते हैं लेकिन हमको मालूम है कि सी पे डेल्टा निगेटिव और सीएल पे डेल्टा निगेटिव, लिखा हो या ना लिखा हो, दैट इज परमानेंटली अवेलेबल. और किसी का कोई डाउट है? एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट? ओ आपने वाया रेजोनेंस लिखा था, ओके.
वायर रेजोनेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के भी थ्रू होता है, वो एक अलग चीज है, और ये रेजोनेंस के थ्रू बात कर रहे हैं। और जब दोनों फैक्टर वर्क करेंगे और अगर काउंटर हो गए तो किसकी बात मानोगे, रेजोनेंस। इसीलिए तुमने लिखा है मेसोमेरिक इफेक्ट गेट्स प्रेफरेंस। अच्छा सर, समझा। और किसी का कोई डाउट? सर वो हैलोजन्स में क्यों? अच्छा एक मिनट, दो दो लोग बोल गए। सर मैं पूछा था वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका क्या मतलब है, मतलब कहीं पे हाफ भी होते हैं क्या, पार्शियल ट्रांसफर? ये है ना पार्शियल, इंडक्टिव में डेल्टा नेगेटिव होता है हमेशा, उस पे चार्ज पूरा ट्रांसफर नहीं, खाली पुश और पुल होता है, जबकि इसमें पूरा लोन पेयर आप आगे बढ़ाते हो। ओके, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो, पूरा नेगेटिव चार्ज भाग रहा है इधर से उधर। और किसी का डाउट था, कोई बोल रहा था? तो हैलोजन्स में क्या होता है फिर, उसको क्यों नहीं? वो सब आएगा, अभी तो धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं बेटा, बहुत सारी सब इंटरलिंक्ड रहती है, तो कई ऐसी चीजें होंगी जो हम, हो सकता है कि एकदम लास्ट में पड़े जाकर के जब ऑर्गेनिक फिनिश हो रहा हो, तो काफी चीजें इंटरलिंक्ड है। अभी आपको छोटी सी चीज बस लिखा दी है मैंने। ओके सर, और बोलिए। मैं चाहता तो लाइन ही नहीं लिखाता, क्वेश्चन ही एक भी ना देता उसके, और तुम्हें बुकलेट में भी नहीं मिलता उस तरह के क्वेश्चन, लेकिन मैं हर चीज लिखाता हूँ स्टार्टिंग से। देखो मैं हमेशा लिखा देता हूँ और फिर उसके बाद लिखते हैं डिस्कशन लेटर ऑन, कि अगर बाय चांस ये पॉइंट छूट भी गया तो तुम्हें रिविजन के टाइम पे याद आ जाएगा कि अरे इसका वाई मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली तुम पूछोगे आकर। किसी को कोई और डाउट है? गाइस, इफ यू रिकॉल हमने इंडक्टिव इफेक्ट की केस में भी ये ग्रुप्स की लिस्ट लिखी थी, याद है ना, प्लस है, प्लस आई और माइनस आई, सेम ही है। यहाँ पर भी लिस्ट लिखो, यहाँ हम स्ट्रेंथ में लिस्ट नहीं लिखेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम बात करते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफर की होती है, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि तुम किसी को 100 रुपए दे रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी 100 रुपए दे रहा है, यानी कि ट्रांसफर जो मनी का हुआ है वो फुल हुआ है। फुल ट्रांसफर का मतलब दोनों 100-100 रुपए दे रहे हो, तो इसमें यू नो पावर की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियली शिफ्ट करता है, तो कितना पार्शियली शिफ्ट करेगा वो पावर पे डिसाइड करते हैं, तो इसमें पावर वाला चीज हम नहीं लिखेंगे, जस्ट कॉमा करके एग्जाम्पल लिखेंगे। Although पावर वाला स्टाइल भी मैं बताऊंगा आपको एक टाइम पर, बट तब तक के लिए आप इसको बस लिख कर रखो। सर बोलो ना। सर वो आई इफेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाते तो चार्ज कैसे जाता है? पार्शियल शिफ्ट होता है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा उस पे हल्का सा नेगेटिव आ जाएगा। सर खाली एग्जांपल देना, ऑर्डर नहीं है? नहीं कोई ऑर्डर नहीं। ओके सर, इसमें भी प्लस है माइनस है, ये सब तुमको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रेडिक्ट करें कोई प्लस है। आई इफेक्ट वाला याद रखना पड़ता है, वो एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे आप ऐसे ही प्रेडिक्ट कर दोगे, बट ऑफिशियली आपको पेपर पे लिखना है इसलिए मैं लिखा रहा हूं। ये लिस्ट आपको ना भी मालूम हो ना तो एग्जाम में तुम ऑटोमेटिकली अपने आप प्रेडिक्ट कर दोगे। बहुत सारे इस तरह से ग्रुप आप लिख सकते हो। सर हाइफ़न आर इसमें, उसमें लोन पे कहाँ पे है? कहाँ पर बोला? सर C6H5 से पहले और C6H5।
यहाँ ये ना डैश नहीं, पर लोन पेयर कहाँ है इसमें? कौन कह रहा लोन पेयर? प्लस एम इफेक्ट कैसे होगा फिर? मैंने अभी बताया नहीं आपको, कैसे पता करें? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभी आपके लिए लिस्ट है केवल, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के लिस्ट थी। अच्छा ओके सर। डन, कॉपी कर लिया। एक मिनट, तो वो माइनस एम फोर्थ वाला क्या है? माइनस एम में फोर्थ सी एफ थ्री एफ है वो एफ। अभी भी नहीं समझ में आया तो समझा। तो किसी का माइक क्या ले? डन यस सर। यस सर। गाइस अगेन इसका डिस्कशन वापस बाद में करेंगे, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं प्लस एम एफ ग्रुप है कोई या माइनस एम एफ ग्रुप है कोई, उसका डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा रेजोनेंस का और आइडिया ले लेते हैं। तो एक हेडिंग डालना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। आर यू रेडी? सबने हेडिंग डाल दिया? यस गाइस, जस्ट सी दिस, बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, अपने को पहले से मालूम है, और तुमने अभी केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ रखा है, sp2 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 sp2। इससे क्या पता चलता है? ये रिंग पूरी प्लेनर है, रिंग प्लेनर है, और इसके जो पाई बॉन्ड होंगे, इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल रिंग्स है ऐसे, और ये पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड ये, एंड दिस इज द थर्ड पाई बॉन्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस सेज कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हो जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाएगा डीलोकलाइज करके। तो यहां हम लिख देते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जिसको आप चाहो तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज रिंग, अबव द रिंग एंड बिलो द रिंग आप लिख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर आप इसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसे वर्ड्स आप लिख कर रखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कभी। तो खाली पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कभी उसको क्लाउड बोलेगा, कभी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेगा, तो वर्डिंग्स में आप जाकर कंफ्यूज मत होना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दिस डीलोकलाइजेशन इज अकरिंग बिकॉज ये सारे ऑर्बिटल्स एक प्लेन में है।
अगर कोई भी ऑर्बिटल आउट ऑफ द प्लेन चला जाता तो वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर डिलोकलाइजेशन ही बनता ना, जैसे आप यहाँ पर दिखा पा रहे हो। एग्जाम्पल दे, यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ द रिंग। गाइस, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको लगेगा लोन पेयर सिंगल डबल, क्या दिखाई दे रहा है तुमको सब लोगों को, लोन पेयर सिंगल डबल। दे मे फील कि यहाँ रेजोनेंस होगा, रफ आइडिया के हिसाब से जो हम जाते हैं उनको लगेगा यहाँ रेजोनेंस है, बट कॉन्सेप्चुअली जब जाओगे तो यहाँ रेजोनेंस तुम्हें नहीं मिलेगा। Why? ध्यान से देखना, पहले सारे पाई बॉन्ड्स के ऑर्बिटल्स बना दो सेम मैनर में एज वी डिड फॉर बेंजीन, यहां पर भी वैसे ही। लेट मी शो यू, ये एक पाई बॉन्ड, दिस इज अनदर पाई बॉन्ड, दिस इज अनदर पाई बॉन्ड, ये सारे पाई बॉन्ड जो हैं वो एक ही उसमें हैं, सारे ऑर्बिटल्स इसके। अच्छा, अब आप रिकॉल करो, जैसे नाइट्रोजन का एक पी ऑर्बिटल इसके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में है, तो जो दूसरा पी ऑर्बिटल होगा ना, चाहे वो आपकी एक्स ले लो, पी वाई ले लो, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू पी ऑर्बिटल ऑफ दिस पाई बॉन्ड। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर की चीजें हैं। बोलो सर, क्या बोला आपने, रिपीट कीजिए। मैंने बोला लोन पेयर है क्या? हाँ, इस ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर रहेगा, कि अगर एक पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है, लेट अस से पी एक्स, तो जो दूसरा पी वाई ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस पी ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पाई क्लाउड के प्लेन में वो वाला ऑर्बिटल नहीं आ रहा है जिसके अंदर लोन पेयर है, तो क्या वो रेजोनेंस में पार्ट ले पाएगा? वही हमने यहाँ पर लिखा। तो भले ही तुम्हें रफ आइडिया से यहाँ दिख रहा था, बट कॉन्सेप्ट समझने के बाद तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो ये कॉपी करने से पहले एक नोट लिखो, यानी पहला पॉइंट। आर यू रेडी सर? जब वो एक्सटर्नली पहले पॉइंट मेरे को लिखाने दे यार, पहले पॉइंट लिखाना है, तो सो दैट बाकी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, बिकॉज़ तुम कोई क्वेश्चन थ्रो करोगे तो वो कंफ्यूजन वहां क्रिएट करने वाला ही होगा। लिखिएगा ऑल ऑफ यू, पहले पॉइंट अच्छे से लिखिए, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी इन सेम प्लेन, मस्ट बी इन सेम प्लेन। और मैंने ऑलरेडी आपको ये बेंजीन वाले एग्जाम्पल में दिखा दिया, ठीक है? वो एग्जाम्पल आप ब्रैकेट में लिख दो, बेंजीन। फर्दर यू राइट, इन पाइरिडीन, इसका नाम है पाइरिडीन, इन पाइरिडीन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, इन पाइरिडीन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस बिकॉज because the orbital which carries lone pair, the orbital which carries lone pair is perpendicular to the plane of pi cloud. Now, बाकी बच्चे इसको कॉपी करें, and those who are having doubts, they can ask.
सर बोलो सर, पाई क्लाउड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ना? हाँ वही पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन, उसी को पाई क्लाउड. एनी डाउट्स प्लीज आस्क. सर जब वो मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है इससे रिंग से, लाइक बीच में सिंगल बॉन्ड भी आ जाता है. हाँ वो अलग केस हो गया. वो केस में कैसा है उसका स्ट्रक्चर दिखा दे. उसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं ना, तो परपेंडिकुलर वगैरह को भी चक्कर ही नहीं है. इसमें एक ही एटम एक पाई बॉन्ड में जा रहा है, उसका एक ऑर्बिटल और एक लोन पेयर, इसलिए परपेंडिकुलर वाला प्रॉब्लम आ गया. सर अगर ये मतलब अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो हम लोग फिर उसको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मान लेते. हाँ जैसे कि उसको रेजोनेंस में ले आते. जैसे मान लो अभी इसने एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ना ये कि बाहर होता तो इधर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसको, है ना, क्योंकि ये कोई पाई बॉन्ड तो बना नहीं रहा है. तो ये जो भी इनका पाई क्लाउड का प्लेन होगा, इस नाइट्रोजन का ऑर्बिटल भी उसी प्लेन में आ जाएगा और ये पूरा रेजोनेंस ऐसे चलेगा. Delocalization. Yes, sir. Thank you, sir. Have you copied everything? Should I give you another point? 1 minute. Yes. सर तो सर ये मतलब हर एक हेट्रो एटम के केस में ऐसा ही होगा ना, मतलब अगर जिसके पास लोन पेयर है तो हाँ वैसे ही रहेगा. बिल्कुल एक एग्जांपल दे दिया है, बाकी सब मैं ऐसे ही दिमाग से आप कर लोगे. सर लेकिन वो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल को छोड़ देंगे तो बाकी में तो रेजोनेंस हो सकता है. हाँ खाली इसीलिए तो तुमने शायद ध्यान से पॉइंट पढ़ा नहीं, फिर तुम जबरदस्ती डाउट्स क्रिएट करने वाले सिचुएशन में आ गए. पॉइंट साफ साफ बोल रहा है लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस. उसने कब बोला कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है? अच्छा हाँ अब ऐसे पॉइंट समझाना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा. पॉइंट साफ साफ इंडिकेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ, और वही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम यहाँ पर. समझा सर समझा. सबने लिख लिया? यस सर. चल इसी में नेक्स्ट लिखिएगा. देखिए और ये पॉइंट हमने शायद पहले भी किया हुआ है. जैसे मान लीजिए इसी की मैं एक और एग्जांपल ऐसा आपको दिखा देता हूं. ये नाइट्रोजन है ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं क्योंकि इधर पाई बॉन्ड नहीं है अब, लेकिन रेजोनेंस केवल इतने हिस्से तक होगा, पूरा लूप नहीं बनेगा, इतने तक जाएगा रेजोनेंस. आप इसको ऑर्बिटल डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा का पूरा, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है. ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, और इसका लोन पेयर वाला, ये पूरा एक सिंक में होंगे. तो आप वो डीलोकलाइजेशन ऐसे दिखा दो, ये इतने तक केवल रेजोनेंस होगा, नीचे वाला हिस्सा भी आप डीलोकलाइजेशन दिखा दो, इसके आगे नहीं जाएगा, बस इतना रहेगा इसमें. नेक्स्ट यहाँ पे वो होगा ना सर लोन पेयर सिंगल डबल वाला. हाँ लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है.
इसके बाद इफ यू रिकॉल हम लोगों ने ये एग्जांपल लिखा था एक प्लस सिंगल डबल वाला, तो इफ यू वांट टू शो दैट ऑर्बिटल डायग्राम तो आप उसको ऐसा लिखते हो एम टी, फिर इधर एक पाई बॉन्ड, तो ये पाई क्लाउड हो गया अपना, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, सीधे सीधे आप एम टी ऑर्बिटल और पाई क्लाउड में डीलोकलाइजेशन दिखा दो। हाँ इसमें लेकिन लिखना जरूरी है यहाँ पर कि एम टी था, बिकॉज मेनी टाइम्स चार्ज नहीं होगा, स्टिल यू कैन शो लाइक दिस बिकॉज यहाँ पर एम टी ऑर्बिटल है, इसका भी यही केस बनेगा। बट इफ आई गिव यू दिस वन NH3 plus और लिख दूं CH double bond CH2, there you cannot show such type of resonance because nitrogen does not have empty orbital. Empty orbital वाला point चल रहा है ना, copy कर लो इसको, इसको examples के form में ही आप copy करो, मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना दिखा सकते हो कि in this case या these types of cases more important is empty orbital not the positive charge। Copied? No, sir. 1 minute. 1 minute. Okay. सर सॉरी टू डिस्टर्ब, ये आपने यहाँ पे जो नो एम्प्टी ऑर्बिटल लिखा उसके लिए आपने पॉइंट क्या बोला था सर, वो रेजोनेंस का क्या? मैंने बोला था कि फॉर दीस टाइप्स ऑफ केसेस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट इज एम्प्टी ऑर्बिटल टू फॉर रेजोनेंस ना, फॉर द रेजोनेंस। ओके डन, शुड आई गिव द नेक्स्ट पॉइंट? सर मतलब ये जो नो एम्प्टी ऑर्बिटल वाला जो NH+3 वाला उसमें रेजोनेंस नहीं होगा ना सर? हाँ लास्ट वाले में ना, बिल्कुल सही, उसमें नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, नहीं लेगा सर। तो और कोई तरीका भी नहीं है ना, और कोई तरीका हो सकता है? इधर कोई मान लो ग्रुप लग जाए तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, पता चल कंफ्यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, पता चला कि तुम्हारा पूरा फोकस इधर एन प्लस पे था और चुपके से उसने इधर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसके पास कोई लोन पेयर हो कुछ हो जिससे इधर रेजोनेंस हो गया, तो तुमको हर एक चीज देखनी है, ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए इसी में इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं पायरिडीन, एक कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस और नॉट, तो ऊपर क्वेश्चन होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, और तुम्हें कई सारे एग्जांपल्स देगा नाइट्रोजन वाले, इस वाले में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इस तरह के अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही कंपाउंड में दो चीजें हो जाएंगी। इसको हटा दें आप सर 2 मिनट। पायरेटिन वाले केस में जो पॉसिबल था वो डबल सिंगल डबल में पॉसिबल था ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही। पायरेटिन के ये क्या सर, ये फर्स्ट वाला आपने क्या बनाया, पायरेटिन नहीं है ये पायरेटिन नहीं है, कोई कंपाउंड ऐसी बना दिया इमेजिन कर दिया। तो इसमें लोन पेयर सिंगल डबल हो सकता है? हाँ वही वाला, तो और कौन सा है? अच्छा और डबल सिंगल डबल भी तो है,
हाँ जब लोन पेयर सिंगल डबल जाता है ना तो पूरा कवर होता है। तो लाइक पता कैसे चलेगा कि एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं? ऑर्बिटल का तुमको मालूम नहीं है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें ऑर्बिटल खाली है भरा हुआ है सब दिखाई देता है, भूल गए क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर? बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ मतलब भूल गया सर, रिवाइज करना पड़ेगा। चलो जुगाड़ बता देते हैं, भूल गया अभी पढ़ाई नहीं। ये डिजाइन याद है? शांत रहे। यस सर। ये डिजाइन में यहाँ एक 13th ग्रुप होता है, 13th ग्रुप में तुम्हारा बोरॉन आता है या बाकी एलिमेंट्स, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आप चूज करोगे उसमें हमेशा एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेगा। हैप्पी 13 के आगे 13th ग्रुप बेटा, 13th में कई सारे एलिमेंट्स होंगे ना, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सब इसी में फॉल करता है, तो 13 ग्रुप में एम्प्टी होता है। हाँ वो तुमको अगर यकीन ना हो तो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी एटम का लिख देना तुम्हें मिल जाएगा। यस सर, हो गया, चलो शुड आई रिमूव दिस? यस सर। गाइस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, व्हाइल राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, व्हाइल राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स While writing resonating structures, positions of atoms do not change. Positions of atoms do not change. Only electrons are allowed to move. Only electrons are allowed to move. Guys, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको लिख के दे रहा हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रिटेन, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, इसकी खास बात ये है कि ये कह रहा है कि इससे मतलब नहीं कि वो कम स्टेबल है कि ज्यादा स्टेबल है, आप वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं पेपर पे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना, एक अभी ड्रॉ करते समय मैंने बोला था कि इसमें ये स्ट्रक्चर यूजुअली पेपर पे ड्रॉ नहीं करते हो बिकॉज दिस इज अनस्टेबल टाइप, लेकिन ये पॉसिबल है तो अगर क्वेश्चन आया तो हम यस ये पॉसिबल करके लिखेंगे। उसी तरह से यहां पर जब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ध्यान से देखना, लेट मी राइट दी स्ट्रक्चर्स लाइक एच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और मैं यहां लिख दूं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एच सी ओ ओ माइनस, ऐसा करके लिख दिया, कांट बी रिटन, एच सी ओ एक हो गया ऐसा लिखना, एक हो गया ये, चलो बताओ आंसर क्या हो सकता है सोचकर, पॉसिबल आंसर टेल मी। सर 3 एटम शिफ्ट हो गया, सबने कर लिया? यस।
तो क्लियरली इट इज विजिबल कि कौन सा होगा, है ना? थ्री वाला. टू वाले में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. इससे पहले वाले बैच में भी कुछ बच्चों ने ये टू लिख दिया था, अभी भी कुछ ने लिख दिया. तो इसमें खास बात ये है कि अनस्टेबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसमें देखो एटम शिफ्ट हो गया, तो पॉइंट क्या है, एटम शिफ्ट नहीं होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, बस और कुछ नहीं. चलिए ये लिख लिया, नेक्स्ट लिखिएगा. ये कॉपी कर ले एग्जाम. कैसे जानेंगे अनस्टेबल है कि स्टेबल है? वो अभी आएगा धीरे 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 धीरे. ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था, ये समझना कि ये कौन सा पॉसिबल नहीं है, उसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं घुसेड़ना है. टाइम लगेगा, धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग. ओके जब भी कोई हेडिंग लिखाई जाए उसको ऑब्जेक्टिव बताया जाए तो पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव पहले समझने में, जब वो एकदम क्लियर हो जाए फिर दूसरी बातें करेंगे. हो गया? Yes. चल अभी जैसे इसने क्वेश्चन किया कि ये कैसे पता चलेगा कम स्टेबल है, तो वो उसके लिए आप एक सब हेडिंग डालिएगा. कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है हाँ सब कुछ, लेकिन हम सब हेडिंग डाल देंगे तो अपने को क्लियर है कि ये वाले पॉइंट्स मेनली इस चीज के लिए हैं. तो हेडिंग डालना हाउ टू कंपेयर, सब हेडिंग है हाउ टू कंपेयर resonating structures, how to compare stability, stability of resonating structures of a compound, how to compare stability of resonating structures of different compound. इस वाले example में लिख लिया ना आपने everybody if this structure is not possible because here we have shifted atom, atoms cannot move, aisa karke iske liye likhiyega. Sir, koi compound natural state mein kisi bhi resonating structure mein hoga kya present? Kya dobara bolna beta? कोई कंपाउंड है जैसे बेंजीन, तो वो नेचुरल स्टेट में अपने किसी नेचुरल स्टेट का स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते, वही तो प्रॉब्लम है. तुमने शायद रेजोनेंस की पहली लाइन पढ़ी नहीं. देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, देर आर फ्यू कंपाउंड्स, फॉर देम वी कैन नॉट राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगर हमको दिख रहा होता, हमको समझ में आ जाता, हम ड्रॉ नहीं कर देते उसको, हम तो रेजोनेंस क्यों बनाते. हाँ तो मतलब वो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा ना? नहीं, इनमें से किसी, ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, एक्चुअल हमको मालूम नहीं है ना. अगर इनमें से किसी में प्रेजेंट होता तो हम वही वाला नहीं चूज कर लेते. नहीं तो ओके सर. तुमको मैं एक घरेलू एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि तुम खो गए, ठीक है, तुम नीचे खेल रहे थे सोसाइटी के और खो गए. बताओ मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? तो हमें ऑप्शन जैसे मिल रहे हैं ना कि इनमें से कोई भी होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है. अबे तुम मेरी बात सुनो, तुम खो गए, मम्मी पापा कहाँ जाएंगे तुम्हारे? पहले तो नीचे जाएंगे देखने. नीचे जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? नहीं मिला तो दोस्तों को फोन कर लिया, फिर कहाँ जाएंगे? अबे जल्दी जल्दी बोलो ना, इतना टाइम लोगे तो बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा. पुलिस स्टेशन जाएंगे. पुलिस, अल्टीमेट सिंपल सी चीज है, पुलिस स्टेशन जाएंगे. पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाले ने बोला फोटो है कोई, तो बोला फोटो भी सब चोरी हो गए. तो अब बताओ क्या करेंगे? ऐसे अबे सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं कि फोटो भी सब, फोटो खींचा ही नहीं अपने बच्चे के हमने. फिर तुम्हारे ऐसा हो सकता है ना कि पांच छह ऐसे बच्चे दिख गए जिनकी थोड़ी बहुत सूरत तुमसे मैच करती है. किसी की नोज मैच करती है, किसी किसी के हेयर मैच करते हैं तुमसे, किसी की आईज मैच करती है. उन बच्चों को बुलाया गया
उनकी फोटोज फोटोज बनाई गई, निकाली गई, और उन फोटोज में से किसी की आईज निकाली गई, किसी की नोज निकाली गई, किसी का हेयर निकाला गया, इस तरह करके तुम्हारी फोटो तैयार हुई। और मम्मी पापा से पूछा गया, क्या ऐसा दिखता है आपका बच्चा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल यही दिखता है। क्या समझ में आया? ये क्या तुम्हारी फोटो है? बोलो ना। हाँ हाँ मेरी। नहीं, तुम्हारी फोटो नहीं है। मतलब सब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेनी। तुम्हारी फोटो खींच ही नहीं सकते क्योंकि तुम अवेलेबल नहीं हो उस समय, या तुम्हारी फोटो हमारे पास नहीं है। यानी इन पांच का हेल्प लेकर कि तुमने एक्चुअल तक पहुंचने की कोशिश की है, इनमें से कोई भी एक्चुअल नहीं है। मैं समझ जाता, इनमें से एक एक्चुअल होगा जो, हाँ, कोई एक्चुअली, सब इमेजिनरी है। उनकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने की एबिलिटी है, तो सब मिलकर के सारी एबिलिटी, सारी जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, हम हैप्पी हो जाते हैं। आगे फ्यूचर में तुम जैसे लोग जब साइंटिस्ट बन जाएंगे तो कुछ और डिस्कवर कर लेंगे, तो मतलब हो सकता है ज्यादा केपेबल हो, तुमको फिर इस रेजोनेंस, यानी हो सकता है 50 इयर्स के बाद इस रेजोनेंस कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट ही ना हो। क्या आप समझ पा रहे हो? यस यस सर, थैंक यू सर। तो बस तुम्हारा ही इंतजार है आगे जाकर कुछ करना जिंदगी में। यस यस सर। चलिए लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच all atoms bracket में लिख देना except H, have complete octet. Resonating structures in which all atoms have complete octet are more stable. I repeat, resonating structures in which all atoms have complete octet are more stable. ये कौन लिख रहा है? घर पे जाके शांति से सो जाएंगे। अरे बेटा, बच्चा खोता है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, शांति से कैसे सो जाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच ऑल एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल। आप वर्ड्स पे भी ध्यान देना जो लिखाया जा रहा है, आंसर निकालने का स्टाइल, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है ये आपको स्टेटमेंट से, यानी मेरे नोट से पता चलेगा। आर मोर स्टेबल एंड मेक लार्जर कॉन्ट्रीब्यूशन and make larger contribution to resonance hybrid. Make larger contribution to resonance hybrid. Guys, ये पहला पॉइंट है। मैं अभी तीन पॉइंट एक्चुअली मेन है, उसको पहले लिखा देता हूं, देन आई विल गिव यू एग्जाम्पल। फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना, बिकॉज पहला पॉइंट डायरेक्टली देखना थोड़ा सा टफ है, तो मैं आपको इसका एक सेकेंड वर्जन बताऊंगा इजी तरीके से। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट, नाउ यू राइट। इफ वी फेल टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी, if we fail to predict stability on the basis of above rule, then look at the number of atoms that have formal charges. Could you please repeat? Formal charges.
सर वापस बोलो ना, पूरा बोलना है। हाँ, इफ वी फेल टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अबव रूल देन लुक एट द नंबर ऑफ एटम्स दैट हैव फॉर्मल चार्जेस। लेस फॉर्मल चार्जेस मोर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट इफ द स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स विथ फॉर्मल चार्जेस सर इतना फास्ट मत, अभी बोला ही नहीं होना, इतना लिख लिया सबने। इफ द स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स यस सर विद फॉर्मल चार्जेस, देन we check electronegativity, then we check electronegativity, please stop, structure where so sir kya structure where more electronegative atom has negative charge, structure where more electronegative atom has negative charge and less electronegative atom has positive charge is more stable, is more stable and contributes more to resonance hybrid, contributes more to resonance hybrid। किसी का कोई पॉइंट छूट गया हो तो बोलो, आई विल रिपीट दैट एंड देन आई विल गिव यू एग्जांपल। बाकी बच्चे पढ़े तीनों पॉइंट्स को अच्छे से रीड करें। यूज योर माइक टू आस्क एनीथिंग। सर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं स्टेबिलिटी किससे, ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, आपस में और किसके कंपैरिजन में करेंगे, जब तो आप हर कंपाउंड का जिस जिसमें जो रेजोनेंस शो करता है उसमें एक मोस्ट स्टेबल। यार तुम्ही ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज लेस स्टेबल बाकी ज्यादा है, तो वही चीज बता रहा हूं, देन अगेन यू आर आस्किंग द सेम थिंग कि इसका कंपैरिजन हो रहा है, तुम्हारे चक्कर में तो उस तरह से पढ़ा रहा हूं मैं। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, अरे आपस में, तो हर कंपाउंड में ही कोई मोस्ट स्टेबल होगा कोई लीस्ट स्टेबल होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कुछ स्ट्रक्चर्स पेपर पे ड्रॉ करके ज्यादा मिलते हैं, कुछ कम मिलते हैं, बेंजीन का एक पर्टिकुलर फॉर्म ज्यादा ड्रॉ किया जाता है बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो स्टेबिलिटी कैसे जज करते हैं उसके पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ अभी। किसी ने पूछा कॉन्ट्रीब्यूट के बाद किसमें होता, कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू रेजोनेंस हाइब्रिड, किसी ने बोला फर्स्ट पॉइंट है resonating structures in which all atoms except H have complete octet are more stable and make
लार्जर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस हाइब्रिड। बट अब माइक यूज करके बोलो ना मुझे सर, एक्सेप्ट एच मतलब हाइड्रोजन या हैलोजन एटम्स? एच 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 मतलब साउथ इंडियन स्टाइल याच सर, इसका मतलब हैलोजन है कि हाइड्रोजन? अबे याच नहीं, इसको कोई बताए एच क्या होता है? हाइड्रोजन ना हो गया क्या? इस बराबर तीनों पॉइंट्स आप छोड़ो एवरीबॉडी। सर बोलो बेटा। सर कंट्रीब्यूट्स मोर टू रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब है कि वो ज्यादा एक्चुअल कंपाउंड के नजदीक होगा, उसका चेहरा एक्चुअल कंपाउंड के ज्यादा करीब होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना मतलब ज्यादा स्टेबल। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो खाली चीज याद रखना, ये दोनों जैसे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसलिए लिखा देता हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम्हें सॉल्व करना आता है वर्ड्स में फंस गए। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब इट इज मोर स्टेबल, बस और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। बोलो, शुड आई टेक द एग्जांपल? सबने पॉइंट्स पढ़ लिए? अभी मैंने पॉइंट का यूज नहीं बताया आपको, पॉइंट्स लिखाए हैं। ये सर वो अभी क्लियर नहीं हुआ था मुझे, वो वाला, वो मोस्ट स्टेबल, हर कंपाउंड में मोस्ट स्टेबल होगा तो फिर मोस्ट स्टेबल को हमेशा एलिमिनेट करना है, मोस्ट अनस्टेबल। ये मैंने कब बोला? तो वहां पे आपने क्यों एलिमिनेट किया था? भाई पूछा गया कि बताओ इन चार बच्चों में से सबसे लंबा कौन है, तो बस ये लंबा है, खत्म। अब ये एलिमिनेट करेंगे, मार देंगे, जिंदा रखेंगे, ये कहां से क्वेश्चन आ गया? सर दो स्लाइड पीछे जा सकते हैं प्लीज? क्या दो स्लाइड पीछे? वो जो अनस्टेबल वाला था, बहुत टाइम खाते हो बेटा, मुझे लगता सारे लोगों का पैसा तुम ही यूज करोगे। हाँ, इसमें टू को एलिमिनेट क्यों किया? मैंने कहा एलिमिनेट किया है, वो भी क्वेश्चन पढ़ो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी ड्रॉ, तो ये नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि इसमें एटम शिफ्ट हुआ है, बस खत्म कहानी, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा ठीक है, बाद में डाउट आएगा तो पूछता हूं। जबरदस्ती का डाउट बनाकर रखते हो, क्लियर कट इसमें क्वेश्चन था, क्लियर कट आंसर था, उसमें जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हो। इसमें पूछा कि हाइट किसकी सबसे ज्यादा है, तो इसको देख करके पता चल गया इसकी हाइट है, फिर तुम कह रहे हो कि कोई टेबल पे खड़ा होगा तो, कोई गड्ढे के अंदर होगा तो, दीज आर द डाउट्स विच यू आर क्रिएटिंग, तो ट्राई टू अवॉइड दैट बेटा। नहीं तो क्वेश्चन तो बन सकता है कोई टेबल पे, लेकिन उसकी बात ही नहीं हो रही है, तो मान कर चल रहे हैं ना कि सेम ही उस पे जो बेस होगा उस पे खड़े होंगे सब। बाकी लोग भी इस चीज समझे कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जिसका जो जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड चीजें हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है कुछ चीजें हमें बाद में पढ़नी हो, तो जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं वहां पर है उसको जबरदस्ती ना पूछे। गाइस क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है, एक कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम्हें देगा वो, और तुम्हें स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करनी। समटाइम्स दे विल आस्क यू मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समटाइम्स दे विल आस्क यू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, समटाइम्स दे आस्क यू लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसी पर बेस्ड में क्वेश्चन लिख रहा हूं। राइट करेक्ट ऑर्डर of stability for following resonating structures of a compound, ठीक है? compound हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी करके वो लिख कर देगा, हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो केवल structures चेक कर रहे हैं। structures इस बार खुद बना के वो दे रहा है। Guys, these are the four
स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। अब सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना, तीन पॉइंट्स आपको स्टेबिलिटी के लिए लिखा है, मोस्ट ऑफ द आंसर उसी से निकल आता है। इनमें पहला पॉइंट पहले यूज करना है। तो बताओ किस एग्जाम्पल में किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? क्या तुम देख पा रहे हो कि किसी एग्जाम्पल में किसी एटम का आपको ऑक्टेट इनकम्प्लीट लग रहा हो? 1 2 3 काउंटिंग करिए बच्चों वाली चीज यार, तुम ये खुद बताओ ना फटाफट, आप लोग बोल ही रहे हो। सेकंड में एन का, इसमें एन का, इसमें सेकंड, यस बेटा 2 4 6 8 हो तो गए, कहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट है गाइस? केवल एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट इज कार्बन, देख सकते हो। अब एक और पॉइंट ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो पहला पॉइंट तुमने लिखा है ना ऑक्टेट का, तो कई बार क्या होता है ऑक्टेट चेक करना थोड़ा टफ हो जाता है, लोन पेयर यहाँ मैंने बना कर दिया है, जरूरी नहीं एग्जाम में बन के आए, तो उसमें कई बार क्या रफ मैनर में तुम चेक कर सकते हो। जैसे मैंने एक लाइन छोड़ने को बोला था ना, वहां लिख सकते हो जनरली मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स इम्प्लाइज मोर स्टेबिलिटी, यानी रादर देन चेकिंग ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एटम, यू जस्ट चेक कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको ये मिल जाएगा। जरूरी नहीं है परफेक्शन करना है तो ऑक्टेट, और थोड़ा सा मतलब रफ मैनर में निकालना है तो मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब मोर स्टेबिलिटी। तो बताओ इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स किस एग्जाम्पल में सबसे कम है? बोलो, थ्री, इसलिए थ्री सबसे खराब स्टेबिलिटी। सर फॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं? आ रहे धीरे धीरे, ये जो चार्जेस दिख रहे हैं उनको फॉर्मल चार्जेस कहते हैं। गाइस अब ये बताओ, पहले पॉइंट से तुमने सेकंड थर्ड वाले को लास्ट में डाल दिया, अब बिटवीन 1 2 एंड 4 वी फेल टू प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट रूल, तो कौन से रूल पे जाओगे? सेकंड रूल। सेकंड रूल कहता है, सेकंड रूल कहता है चार्जेस वाले एटम्स देखो किसमें कम एटम्स पे चार्जेस है। किस पे कम एटम्स में चार्जेस है? 2 एंड 4 पे, और इसका मतलब 1 वाला यहां आ जाएगा लेस स्टेबल पे। अब बताओ 2 एंड 4 का 1 से भी आंसर नहीं निकला, 2 से भी नहीं निकला, देन व्हिच रूल विल बी एप्लीकेबल? थर्ड रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव किस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज हैविंग नेगेटिव चार्ज? सेकंड वाले में, इसीलिए सेकंड सबसे पहले आ गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी सबसे पहले सबसे पहला रूल चेक करना है, देन सेकेंड रूल, देन थर्ड रूल। गलती से भी तुम ऐसा उल्टा सीधा मत कर देना, पहला रूल पहले चेक करना है और परफेक्ट आंसर आएगा। अब बोलो फॉर्मल चार्जेस, ये जो चार्जेस होते हैं ना एटम्स के ऊपर, इन्हीं को फॉर्मल चार्जेस बोलते हैं। एनी अदर डाउट? लेकिन दोनों भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार, चार तीन रूल लिखा है, तीन में बोलो ना कौन से रूल में क्या प्रॉब्लम है। थर्ड वाला सर, वो सेकंड और फोर्थ का नहीं समझ। तुम अपनी बर्जिस बोलो सर, आपने वन का स्टेबिलिटी कैसे चेक किया फर्स्ट का? ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो थर्ड लास्ट क्यों है, थर्ड लास्ट क्यों है? हाँ, तो पहला पॉइंट कहता है चेक करो किसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये 1 2 4 इनमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ओनली द थर्ड थर्ड स्ट्रक्चर वेयर कार्बन डज नॉट हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट, इसीलिए सबसे लास्ट में चला गया। इसका दूसरा तरीका रफ मैनर वाला बताया था मैंने कि जस्ट काउंट द कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें सबसे कम कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ये लिस्ट स्टेबल हो गया। रूल लिखा, फॉलो किया, आंसर आया। अब बोलो आगे सर। फिर अभी फर्स्ट का फिर सेकंड रूल अप्लाई किया ना? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं बचे हुए कंपाउंड से, बचे हुए स्ट्रक्चर्स में आई एम चेकिंग द सेकंड रूल। मैं ये नहीं चेक कर रहा हूँ फर्स्ट में सेकंड रूल लगाओ, मैं कह रहा हूँ थर्ड तुम्हारा लास्ट में चला गया, आप बच गए उनमें, आपने सेकंड रूल चेक किया। सेकंड रूल कहता है कि वो वाला लेस स्टेबल होगा जिसमें ज्यादा एटम्स पे चार्जेस है, तो आपने देखा फर्स्ट वाले में ज्यादा चार्जेस, उसको पीछे कर दिया। अब फर्स्ट और सेकंड रूल एप्लीकेबल हो गया, खत्म हो गया। नाउ टू स्ट्रक्चर्स स्टिल रिमेनिंग, टू स्ट्रक्चर्स, अब थर्ड रूल पे आ गए हम लोग।
उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है तो उसके हिसाब से आंसर लिख दिया। रूल पढ़ना है, पहला रूल पहले, दूसरा रूल दूसरा, थर्ड रूल थर्ड, इसी सीक्वेंस में लगाना है आपको रूल्स। आप बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमको ये नहीं बोलना है कि ये वन कैसे होगा, टू कैसे होगा, आप रूल फॉलो करो, रूल्स, बस आंसर आएगा। बोलिए और सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, मतलब सेम एलिमेंट होता है। तुम ज्यादा टेंशन मत लो जिंदगी में, क्वेश्चंस आएगा फिर बात करेंगे। ओके सर। इतना ज्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हो, पहले कंपाउंड ऐसा लेकर तो और फिर बात करो। सबको क्लियर है, सबने लिख लिया? यस सर। चलिए एक ब्रेक लेते हैं 9-10 मिनट्स का, फिर बात करते हैं, और तब तक आप रिवाइज कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बात करेंगे। जल्दी छोड़ दो ना, कंटिन्यू करो। नहीं, ब्रेक ही जल्दी नहीं छोड़ना बेटा, ब्रेन के लिए थोड़ा सा वो रिकवरी के मोड पे जाना होता है। जल्दी छोड़ने से मतलब थोड़ी रेस्ट करना है क्या तुमको? बात कहीं और जाना है क्या, कोई पार्टी आटी है? सर 1 बजे क्या पार्टी? हाँ सर 1 बजे।
Guys, are you there? 5 minutes, sir. Guys, quickly write the order. Done. 1 minute, sir. बहुत ज्यादा नहीं सोचना है. रूल्स फॉलो करना है. रूल्स को ध्यान से देखो. First rule, first, simple. Should I discuss? सबने try कर लिया? So confusing लग रहा है. Yes, sir. क्या बड़ा? एक मिनट, एक चीज थोड़ी सी एरर हो गई मेरे से. यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर नहीं है, दो ही लोन पेयर है. हाँ, इसलिए इसलिए मतलब वो भी आंसर में आ जाता, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है. चलो अभी सही हो जाए. जिसने आंसर लिखा वो चेंज करके लिख दे. हाँ, डन. यस. चलो अब आप सबसे पहले बताओ ऑक्टेट रूल. अगर आप ऑक्टेट चेक कर पाते हो तो वेरी गुड, नहीं तो सबसे रफ मैनर में पहले देख लो कि इन विच केस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मोर. फोर. फोर. वन एंड फोर. वन एंड फोर. वन एंड फोर. समझ गए. इसका मतलब वन और फोर पहले आएंगे, लेकिन आउट ऑफ वन एंड फोर विच वन विल कम फर्स्ट स्टेबिलिटी में, उसके लिए सेकेंड रूल पे गए. सेकेंड रूल कहता है चार्जेस देख लो, किस पे चार्जेस ज्यादा है, आंसर इक्वल. फिर आता है थर्ड रूल. थर्ड रूल कहता है चेक कर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बताए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कौन बेटर है? फर्स्ट सर. फर्स्ट. बिल्कुल सही. ये हो गया इतना. फिर बिटवीन टू एंड थ्री,
बिटवीन टू एंड थ्री नंबर ऑफ चार्जेस देख लो, फॉर्मल चार्जेस दोनों में इक्वल, अगेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से आएंगे तो पहले कौन आएगा? थ्री सर, थ्री आएगा ना। एक चीज तुमने ध्यान नहीं दिया बेटा, इसीलिए तो मैंने बोला है इसमें जब तुम सब चेक करोगे ना, क्योंकि जो रफ वाला फंडा मैंने तुमको लिखाया भी है उसमें भी तुमको ध्यान से देखना है कि जो ये क्या बोलते हैं, अच्छा तुमने क्या बोला अभी मेरे को दोबारा बोलना, थ्री वाला बिल्कुल सही है, दोनों में तुमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक कर, इसमें ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है अगर ऑक्टेट रूल के हिसाब से ले जाते हो, और इस वाले में इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, टू 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 सिक्स, और यहां जाओगे तो टू 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 सिक्स आएगा, दोनों में सिक्स आ रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे थ्री ग्रेटर देन। अब आप देखो ये आंसर आ रहा है सबका, यस सर। तो लास्ट में थ्री और टू कैसे चेंज हो? थ्री एंड टू बेटा इसलिए होगा बिकॉज इस पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस पे भी, यानी पहला रूल फेल हो गया, दूसरे रूल के हिसाब से गए तो चार्जेस भी सेम है, फिर थर्ड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से नाइट्रोजन पे प्लस नहीं होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम शुड हैव नेगेटिव चार्ज, जबकि यहाँ पर कार्बन प्लस होल्ड कर सकता है ऐसा। ये आ गया, एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन कॉपी करने तो एक मिनट, चलो कॉपी कर लो पहले, हो जाए तो बता दो तुरंत। सर फर्स्ट एंड फोर्थ में कैसे डिसाइड किया, थर्ड रूल में? सबसे पहला रूल चेक करो, फिर दूसरा रूल चेक करो, फिर तीसरा रूल चेक करो, किसी ना किसी से आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन फर्स्ट रूल फर्स्ट ऐसा है। Done, so. चलिए फटाफट आंसर बोल रहे, so 1 2 3 1 is greater than 2 is greater than 3, very good, aur koi? Kuch logon ne aise random kuch bhi answer likh diya hai jabki ekdam clear cut bataya gaya hai ki pehla rule pehle check kar lo, fir dusre rule pe enter karo, fir dusra rule check ho jaye, fir teesre rule pe enter karo, अपने आप आंसर मिलता चला जाएगा, कुछ भी कोई नहीं लिख देगा, थ्री ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन वन, टू ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन वन, कुछ भी लिखना चालू कर दोगे तो कैसे ऐसा नहीं, रूल के हिसाब से ही बताया, तुम्हारी बात नहीं करो बेटा, बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर लिखा, उनकी बात कर रहा हूँ।
कुछ भी लिखना चालू कर दिया, मतलब कॉमन सेंस की चीज भी नहीं है, ये सीधे सीधे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? चेक ऑक्टेट कोवेलेंट। तो वैसे कोवेलेंट बॉन्ड से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसमें तुम्हारा ऑक्टेट से ही आंसर निकलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो रफ मैनर में कि टाइम कम है तो तुमने जो है कोवेलेंट बॉन्ड चेक कर लिया, लेकिन हमेशा एडवाइस यही है कि आप ऑक्टेट चेक करें, ठीक है? फर्स्ट रूल फर्स्ट। अगर बाय चांस टाइम कम है, 30 सेकंड्स बाकी और तुम्हें आंसर लिखना है, फटाफट आप उसमें चेक कर लेना कोवेलेंट बॉन्ड्स का। अब इसमें अगर आप सबसे पहला रूल आप यूज करोगे तो सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट चेक करना है। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हो? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं, व्हेनेवर कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा ही होगा, बाकी सब में प्लस होना ही मतलब नहीं होता। कार्बन पे प्लस है तो समझ लेना ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट है। ये आपको ऐसी याद रखने के पॉइंट से बता दिया, बाकी तुम्हारा अपना टैलेंट, तुम निकालो सारे एटम्स का। लेकिन क्या होता है क्विक मैनर में तुरंत देखना होता है, हमको मालूम है कार्बन प्लस है तो यार रटा हुआ है, कार्बन प्लस मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसी और में ऐसा नहीं है, जो हैवियर एटम्स होते हैं उनमें प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहते हैं तो उनका ऑक्टेट हमेशा लगभग कंप्लीट रहता है। तो टू में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए टू लास्ट में आएगा। अब बिटवीन वन एंड थ्री ऑक्टेट कंप्लीट है, वेरी गुड। सेकेंड रूल क्या कहता है? चार्जेस देख लो, चार्जेस किस में ज्यादा है? थर्ड वाले में। आंसर कितने सिंपल तरीके से आंसर आया, जबरदस्ती का उसमें उल्टा सीधा लगा करके। कोई कह रहा है टू ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन वन, अब कैसे? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से भी करते ना फिर भी टू वाला नहीं आता, पहले वन आएगा, वन तो डेफिनेटली पहले ही आएगा। पता नहीं कैसे आंसर निकाल रहे हो। सर मेरा लॉजिक था कि सारे में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, और फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट देखा फॉर्मल चार्जेस वन में सबसे कम है तो मैंने वन पहले रखा, फिर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक की तो मैंने सीएल का देखा तो माइनस पहले आएगा ना सीएल का, तो टू पहले आएगा। हाँ, लेकिन तुमने क्या किया, फर्स्ट रूल जो मैंने लिखा है वो मेन रूल ऑक्टेट है, जो ये है उसके लिए देखो लिखा ना मोस्टली सही हो जाता है। अच्छा हाँ, समझे ना, इसलिए जो एक्यूरेट है वो क्या है? ऑक्टेट। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एक स्टेज के बाद सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वो उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जिन्होंने ऑक्टेट भी अच्छे से कर रखा है। तो तुम एक लेवल तक जाओगे कोवेलेंट बॉन्ड्स की बेसिस पे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो नहीं कर पाए, तो आपको वो भी करना है और ये भी करना है कि भाई कम टाइम में तो कम से कम कुछ ना कुछ आंसर निकाल कर तो आ ही जाए। यस यस, डन, सबने कॉपी कर लिया इसको? नो सर, वेट। यस सर। Yes, sir, done. गाइस एक पॉइंट और लिख लो, ऑल्दो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक वर्ड आता है चार्ज सेपरेशन, बहुत मिलेगा तुम्हें। चार्ज सेपरेशन, तो इसके लिए पॉइंट लिखिएगा, स्ट्रक्चर्स विच कंटेन structures which contain charge separation are
are actually less stable. Their contribution, to resonance hybrid, their contribution to resonance hybrid is negligible. Guys, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आंसर निकाल सकते हो, बट ये वर्ड्स तुमको बताने थे मुझे कि ऐसा ना हो कि चार सेपरेशन आ जाए और तुम आंसर ना बता पाओ. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. It is not difficult for you to predict out of these two resonating structures which one is more stable. Can you guess? First. ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से आंसर निकाल देते हो. ठीक है, अच्छा इसका चाहो तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो. याद है वो मैंने आपको प्लस माइनस करके बताया था, तो वो प्लस माइनस करके भी आप दिखा सकते हो कि आपने यहाँ प्लस लिखा यहाँ माइनस लिख दिया. उसके अलावा मैं केवल इसी दो की बात कर रहा हूँ. चार सेपरेशन ये वर्ड का मतलब क्या है? चार सेपरेशन का मतलब है कि इट्स लाइक कि अच्छा प्लस प्लस का भी सेपरेशन आप नहीं बोलते हो. प्लस प्लस का सेपरेशन वर्ड नहीं आएगा, प्लस प्लस तो अपने आप दूर भागता है. जो पास में रहना चाहता है और तुमने जबरदस्ती उसको दूर कर दिया है, वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा. इट्स लाइक कि तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों साथ में रहना चाहते हैं, घर वालों को पसंद नहीं, तुम लोग को सेपरेट कर दिया, तो सिस्टम विल बिकम यू नो अनस्टेबल. तुम लोग शोर मचाओगे घर पे, परेशान करोगे. तो वैसा ही है, ये प्लस माइनस जब साथ में था तो न्यूट्रलाइज होकर के जीरो चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे ही तुमने चार्ज बनाया और उनको सेपरेट कर दिया, तो ये सिस्टम यू नो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है. तो वो वही कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी नेग्लिजिबल. इसलिए मैंने बोला था कि जब वो तुमसे बोलेगा ना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ऐसा क्वेश्चन देगा जिनमें स्टेबिलिटी में उतना डिफरेंस ना हो. अगर स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए नहीं जाते पेपर पे. आई होप आप समझ पा रहे हो पॉइंट. तो आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लेके बहुत परेशान मत होना हर केस में. जो क्वेश्चन आया हो उसी को सॉल्व करना नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज जैसा क्वेश्चन हो उसी ऑब्जेक्टिव से इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर पॉइंट केवल इतना है, चार सेपरेशन रिजल्ट्स इन अनस्टेबिलिटी. इज इट क्लियर? इसको कुछ नहीं, इसको हटा दो, केवल इन दोनों की बात कर रहे हैं. कॉपी कर लो एग्जांपल सर. लेकिन ये और जो आपने इसके पहले रूल वन लिखा है तो सेम ही है ना? सब कुछ सेम है, वर्डिंग्स जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो आपको आंसर आता है, पता चला कि आपने वर्ड्स नए पढ़ लिए, पहले ये सब क्या हो रहा है. तो आपको सब केवल ऐसा लिखा रहे हैं ताकि कोई वर्ड्स ऐसा ना हो कि वो नया सा बना कर दें और आप छोड़कर आ जाएं क्वेश्चन. सर बोलो सर, ये फर्स्ट मतलब जो आपने एग्जांपल में फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर वो मोर स्टेबल रहेगा कंपेयर टू सेकंड. हाँ ना, बिल्कुल. जी जी सर, थैंक यू सर. मुझे अभी मतलब नहीं समझा उसको सर. लेकिन यहाँ पर तो एक लोन सर, एक पाई बॉन्ड तोड़ने पर प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे दोनों तोड़ उसमें चार सेपरेशन कम होगा, यानी वो वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. यहाँ पे दोनों भी पाई बॉन्ड तोड़ दिए. दोनों नहीं तोड़े ना, एक बीच में है ना पाई बॉन्ड. सो एक लेफ्ट का तोड़े, एक राइट का भी तो तोड़ दिया. वो बीच में आ गया, शिफ्ट हो गया. बीच में आया ना एक पाई बॉन्ड. हाँ मैंने देखा नहीं. हो गया. शुड आई चेंज द पेज? नहीं मतलब समझा इसका, क्या चीज बता दीजिए ना, इसका मीनिंग नहीं समझा मुझे.
मतलब नहीं समझा क्या नहीं समझा, ये तो रूल पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ तुमको चार्ज नहीं मालूम है, तुम्हें सेपरेशन नहीं मालूम है, तुम्हें क्या नहीं मालूम है वो बताओ, वो पॉइंट में बताओ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला, क्या हुआ क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर्स विद कंटेंट? एक पॉइंट लिखाया गया है, तुम क्या ब्रेक हो गए थे, मतलब डिस्कनेक्ट हुए क्या? डिस्कनेक्ट नहीं था सर, बट ध्यान नहीं था इधर। तो ध्यान नहीं था तो तुम्हारी वजह से बाकी बच्चों का लॉस होगा, तो ध्यान से आप देखो ना, और पॉइंट जो लिखाया गया उसको पढ़ो पहले, उस पॉइंट को पढ़ने के बाद ये एग्जांपल सामने देखो, फिर डाउट पूछो रादर देन ऐसे रैंडम डाउट पूछना है। ओके सर, मैं बाद में पूछता हूं लेक्चर के। गाइस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, sometimes charge separation, sometimes charge separation results in extraordinary stability. Extraordinary stability due to aromaticity. Guys, even though I am explaining you this point, लेकिन अगर बच्चों को समझ में ना आए जिसको भी, वो इसको skip कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी एरोमेटिसिटी उतना आपको आता नहीं है। तो दोज स्टूडेंट्स जिनको ये पहला लेक्चर याद है जो मैंने बताया था ना, एरोमेटिसिटी के लिए हम जनरली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं उसका लूप, क्या किसी को याद है? अगर किसी को भी याद नहीं होगा तो मैं ये पॉइंट ही स्किप कर दूंगा। याद है। अरे वाह, तो इसका मतलब है हाँ, तो हम लोग रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, This is a compound जिसमें fused है दो rings, 5-membered ring और 7-membered ring. And let me draw the bonds. ये. अब इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम्हें 4 electrons दिखाई दे रहे हैं, pi electrons, इसमें 6 pi. तो ऐसा aromatic है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा resulting structure draw कर दूं, let me draw that. गाइस अब इसको देखो, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप इतना टेंशन उसका मत लो, आप ऑब्जेक्टिव को समझो। इसको ध्यान से देखो, क्या इस रिंग में तुम्हें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस दिखाई दे रहा है लूप में? 2+2+2+0 क्या देख पा रहे हो? यस, 6 पाई का पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। क्या तुम इस वाले में वो लूप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो मैथ्स क्या होते हैं, 2+2+2 इज हाउ मच, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये दोनों रिंग्स में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो लूप तुम्हें मिला वो कब मिला? जब तुमने ये चार्ज सेपरेशन वाला स्ट्रक्चर बनाया। तो वही वो कह रहा है कि समटाइम्स, यानी जो बाकी स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, डिस्टेबलाइज कर रहा था, ये ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा केस बन गया जिसमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल हो गया। मतलब कोई पागल सा लड़का जो कभी पढ़ता लिखता नहीं है, उसका अचानक से सिलेक्शन हो गया और बहुत अच्छी रैंक, ऐसा वो बता रहा है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसका रीजन भी बताया कि उसके अंदर कौन सी कैरेक्टर आ गया, बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, एरोमेटिक। इसीलिए कभी कभी ऐसा आपको भी मिल सकता है कि चार्ज सेपरेशन रिजल्ट्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी। तो ये एग्जांपल कॉपी कर लेना, इसका नाम एज़ुलीन है, हो सकता है मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में डिफरेंट कंपाउंड्स जो बनवाए थे उसमें हो सकता है ये भी दिया हो, प्लीज कॉपी। सर अगर ऐसा होगा तो कभी कभी क्यों होगा बेटा? हर कंपाउंड के अंदर रेजोनेटिंग, सॉरी एरोमेटिसिटी नहीं होती ना। नहीं, पर हम लोग ब्रेक करके अगर उसको कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे 7 ब्रेक करके इसमें बताओ ना,
तुम जबरदस्ती क्यों क्वेश्चंस पूछते हो यार, ब्रेक करके इसमें बताओ एरोमेटिसिटी लेके आओ। अरे रिंग वाले में सर ले लो, इसमें लेके आओ एरोमेटिसिटी, लो ले आओ कुछ भी कहीं, अबे जहां आएगी वहां कर लेंगे, टेंशन किस बात का है। तुम कह रहे हो सब में हो जाएगा, सब में कैसे हो जाएगा, करके दिखाओ इसमें, करके दिखाओ, करके दिखाओ इसमें। अबे जबरदस्ती नहीं क्वेश्चन पूछे जाते सर। तो फिर फाइनल कंक्लूजन है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो उसके असली कैरेक्टर को इंडिकेट करता है विच इज एरोमेटिक। अच्छा कंपाउंड एरोमेटिक है बट उसका कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एरोमेटिसिटी को। हाँ हाँ समझा समझा सर, कैन यू प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है समटाइम्स चार्ज सेपरेशन रिजल्ट्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी। आप इसको ऐसे लिख लेना सब, हाँ कि here it is difficult to explain the aromaticity of the compound, but here clearly it is visible that each ring we have 6 pi electrons loop, that is why this system is aromatic. So this system is resembling the actual compound, that is why this is more stable even though charge separation. ये सब लिखना था, ये सब मतलब मैंने जो बोला वो तुम अपनी स्टाइल में लिखो, ये कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बोल दिया। ओके सर, लेकिन वो पहले हम लोग ने क्या किया कि एजुलिन में हम लोग ने उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फिर हमको पता चला। बेटा तुमने कुछ नहीं किया, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए, बोले कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अच्छा मतलब वही देंगे, तुमने कुछ नहीं किया है। ओ अच्छा सर, क्योंकि वो एजुलिन का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया फिर वो एरोमेटिक बन गया ना। हाँ अच्छा Should I change the page? 1 minute. Yes, sir. 1 minute. इसको घर पे जाकर 2-3-4 बार रीड करना, रीडिंग करना केवल, वरना क्या होगा आप कई सारे पॉइंट्स हैं ना और सब काफी क्लोज हैं, तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो आप रीड करके उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दो, कि मान लीजिए एक पेज में केवल एक स्टेटमेंट है जो आपने लिख लिया अपनी स्टाइल से और वो आपको पूरा पेज समझ में आ रहा है, या कोई एग्जांपल लिख लिया शॉर्ट नोट्स में। आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि रीड करके आपको पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे वो छोटे छोटे, नहीं तो क्या होगा आप इतने सारे पॉइंट्स लिखने के बाद कभी कंफ्यूज हो जाओ, कभी रेजोनेंस है, कभी स्टेबिलिटी है, कभी कुछ चेक करें, कभी कुछ चेक करें। सो इतना सारा वो आपको कंफ्यूजन, एंड अभी सब समझ में आ रहा है, फिर बाद में आप खुद ही कंफ्यूजन के साथ आओगे। तो आज ही घर पे जाना, रीड करना हर एक पेज, कोई एग्जांपल या कोई स्टेटमेंट, उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लें। Should I remove this page? सर बोलो। तो ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा क्या? छोड़ो ना, ऑब्जेक्टिव क्या है हाइब्रिड, यहाँ क्या रेजोनेटिंग, तुमसे रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन में किसी एक में एरोमेटिसिटी कैरेक्टर बताया जा पा रहा है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। वो समझ में आया तो जबरदस्ती तो मत डालो, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन कोई आए तो पूछना आकर के, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर जबरदस्ती के हम बहुत सारे डाउट्स एक जगह क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। जो हेडिंग है, जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो तुम्हें समझ में आया? क्योंकि वही समझाना अपने आप में बहुत टफ काम है। तो अगर वो समझ में आया तो फिर आगे बढ़ो। मतलब चार्ज सेपरेशन अफेक्ट स्टेबिलिटी, चार्ज सेपरेशन क्या करता है? अफेक्ट स्टेबिलिटी ना, मतलब बिल्कुल सही। अब किस सेंस में कैसे करता है तो तुम्हें मालूम है, जैसे तुम्हें शॉर्ट नोट बनाना है तो तुम क्या लिखोगे? मोस्टली इट मेक्स सिस्टम अनस्टेबल एंड समटाइम्स स्टेबिलिटी, कब? एरोमेटिसिटी आगे लिख, शॉर्ट में लिख दिया, काम हो गया अपना। ज्यादा सोचना नहीं, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपको मार्क्स आना चाहिए एग्जाम में। मार्क्स आएगा, सिलेक्शन होगा, सोसाइटी वाले प्रेज करेंगे, नहीं तो सब तुम्हें भगाएंगे।
तो पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो स्किल डेवलप करनी है, जब वो सब हो जाए फिर जाकर तुम पीएचडी कर लो आकर के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस एक पॉइंट नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, इन मेनी केसेस, इन मेनी केसेस, इन मेनी केसेस इट इज फाउंड In many cases, it is found that more the number of resonating structures, इस पॉइंट को बहुत यूज करते हैं, it is found that in many cases more the number of resonating structures, more the number of resonating structures implies more stability, more stability, ya isko bolte hain more resonance stabilization। More resonance stabilization. सबने लिख लिया पॉइंट? हाँ जी। Yes sir. But those cases. तो अच्छा बट जो लिखा है ये एक टाइप की एक्सेप्शनल चीजें है ना, तो हो सकता है एडवांस्ड एग्जाम है तो इनमें से कुछ पूछ ले आपसे, तो केयरफुल रहना है इसको यूज करने के लिए। बट दोज केसेस वेयर, वी गेट इक्विवेलेंट resonating structures, equivalent resonating structures, negative charge on electronegative less charge separation aromaticity R, are more stable, are more stable even though less number of resonating structures, गाइस पॉइंट सबने लिख लिया? यस सर। यस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है सुनो ध्यान से देखना। इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, क्या प्लस रेजोनेंस में है? हाँ। यस सर। क्या इसमें प्लस रेजोनेंस में है? अब क्वेश्चन ये ऐसा आएगा, इन विच केस
plus is more resonance stabilized. Second वाले में. Second. तो आपको समझ में आया ना कि आंसर क्वेश्चन कैसे आंसर निकालना है. तो जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे प्लस ज्यादा रेजोनेंस करेगा वो तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा. सिंपल सी चीज है उसको. तो बस इसमें ये आंसर हो गया आपका. ये तो जनरल चीज है मतलब जो लगभग सब में मैच करता है. अब आते हैं वो जो बट आपने करके लिखा हुआ बट वाला. इसको कॉपी कर लो पहले एक मिनट सा. Done. Chal. Now I'm giving you another example. Yeah. ध्यान से देखकर बताओ कि in which case negative charge is more resonance stabilized. दोनों में ऑक्सीजन तो क्या बोला. इन विच केस नेगेटिव चार्ज इज बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. फर्स्ट वाले फर्स्ट केस फर्स्ट केस एरोमेटिसिटी बिल्कुल गलत है. इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन और इसको बोलते हैं एसीटेट आयन. जैसा तुमने आंसर दिया ना वही आंसर बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे देते हैं क्योंकि पढ़कर जाते हैं मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी. तो इसमें जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना तो तुमको मिलेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ध्यान से देखना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. बाकी आप ड्रॉ कर लेना तो मैं यहाँ लिख देता हूं है ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. इस वाले में व्हेन यू ड्रॉ यू विल गेट ओनली 2. एक वो जो दिया है और एक ये. सो यहां लिखेंगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो अगर केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नंबर पे चले जाओगे देन फर्स्ट वन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. बट अब आते हैं जो दूसरा पॉइंट तूने बट के बाद वो सब लिखना शुरू किया ना कि इक्विवेलेंट रेजोन. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इक्विवेलेंट का मतलब जो देखने में एक जैसे हैं बिल्कुल ट्विन्स दिख रहे हैं तुमको. इसमें भी देखो ऑक्सीजन पे माइनस है सी डबल बॉन्ड ओ एस सी एस थ्री. इसमें भी देखो ऑक्सीजन पे माइनस है सी डबल बॉन्ड ओ एस सी एस थ्री है. एक जैसे स्ट्रक्चर है इन्हीं को बोलते हैं इक्विवेलेंट. क्या सारे बच्चों को क्लियर है इक्विवेलेंट का क्या मतलब है यहाँ पर. और फिनोक्साइड में भी तो है इक्विवेलेंट. फिनोक्साइड में ओ पे माइनस है या सी पे माइनस है कहाँ तुम्हें चेहरा मैच कर रहा है यार बिल्कुल ही अलग है. इसमें एकदम दिख रहा है थोड़ा सा खोपड़ी घुमा लो तो ये और ये सेम है. इसमें तुम कितना भी खोपड़ी घुमा लो क्या कार्बन पे माइनस ऑक्सीजन पे दिखना शुरू हो जाएगा. अच्छा मतलब इमीडिएट लो करना है. इमीडिएट से मतलब नहीं है तुम्हें जितने इक्विवेलेंट ज्यादा मिलेंगे उतना सिस्टम ज्यादा अच्छा होगा. सर तो फिनोक्साइड आयन का लास्ट वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें भी खाली डबल बॉन्ड चेंज होंगे. हाँ होगा लेकिन बाकी तो नहीं है ना. हाँ बाकी नहीं है टू बनेंगे इसमें भी टू है वही चीज है जितने अब इसको एक रफ मैनर में ऐसा बोलते हैं कि जब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तुम इधर देखो या उधर देखो तुम्हें सब एक ही चीज नजर आ रही है उस चीज की स्टेबिलिटी बढ़ गई ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. चारों तरफ तुम्हें वही दिखाई दे रहा है इसमें हल्का सा खोपड़ी घुमाया बदल गया यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम निकली यानी इस केस में सिस्टम ज्यादा स्टेबिलाइज हो रहा है. और अगर ना समझ में आया तो उसको रट लो इक्विवेलेंट दिखा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब ज्यादा स्टेबल है. बट एट द सेम टाइम खाली एक प्रॉपर्टी वैलिड नहीं हुई है यहां पर दूसरी भी है नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ओनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज होल्डिंग माइनस इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या समझ में आया. यस थोड़ा थोड़ा. अब
क्या किसी के पहले तो कॉपी कर लो, फिर एक तुम्हारा डाउट डेफिनेटली माइंड में आना चाहिए एरोमेटिसिटी, पहले कॉपी yes, हाँ भाई हाँ पहले कॉपी कर लो, मालूम है तुम लोग किस लेवल पे सोचते। Have you all copied? एक मिनट सर, नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन ओनली का मतलब यही ना, मतलब कि वो इक्विवेलेंट है, मतलब वो चार्ज किस पे दूसरे पे गया नहीं, शिफ्ट नहीं हुआ। नहीं, ऑक्सीजन का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हो गया? यस सर। एक मिनट सर। यस सर, सॉरी, ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है एसीटेट आयन का, वो लाइक उस पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा ना कंपेयर टू फर्स्ट वन? खाली इक्विवेलेंट नहीं बेटा, उसके दूसरी कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव चार्ज इज थ्रू आउट ऑन ऑक्सीजन मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाइल हियर नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टू कार्बन, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को तुम दे रहे हो। तो सर स्टेबल कौन सा ज्यादा है, वही राइट वाला ना? हाँ, तो आप यहाँ लिखेंगे लास्ट पॉइंट ऐसे करके लिखेंगे कि इवन दो लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट हियर नेगेटिव इज मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, मोर इवन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड देन फिनोक्साइड आयन, इवन दो लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट हियर नेगेटिव चार्ज इज मोर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड देन फिनोक्साइड आयन। सर तो ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस, ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, वो सारे को ओवररूल कर देगा, खाली ये बट वाला। बस यानी ये समझ लो एक टाइप का एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अच्छा, इसका आप एक्सप्लेनेशन अलग से दे रहे हो सबने कॉपी कर लिया? लिया गाइस। नाउ यू आर आस्किंग, जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये भाई ये तो फिनोक्साइड आयन एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक है ही नहीं एसीटेट आयन, सो व्हाई आर यू नॉट यूजिंग द एरोमेटिक कैरेक्टर? क्या यही डाउट है कुछ लोगों का? मेरे को है। यस सर। आप बिल्कुल सर। अब आप ऐसे सोचो, मान लो कि तुम्हारी फैमिली में तुम हो और बाकी लोग भी हैं, ठीक है ना, और प्लान बना कि कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे, उन्होंने बिना तुमसे पूछे डिसीजन ले लिया कि जो है गुजरात में जाएंगे, टेंपल घूमेंगे, और तुम्हारे माइंड में था कि गोवा घूमेंगे, ठीक है, उन्होंने तुमसे पूछे बगैर डिसीजन लिया, फिर तुमसे जो है डिस्कशन करके और तुम्हें बता दिया कि टेंपल जाना है, तुम्हारे मन में गोवा की ख्वाहिश अधूरी रह गई। बताओ तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंस है?
जीरो माइनस तो इस निगेटिव चार्ज का कोई लेना देना है क्या? नहीं। हाँ, जब अगर ऐसा होता कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑफ दिस लोन पेयर माइनस चार्ज कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक, जैसे ये वाला केस था कि यहाँ तुमने रेजोनेंस दिखाया तब जाके एरोमेटिसिटी आई, यहाँ रेजोनेंस से पहले ही वो एरोमेटिक है, यानी निगेटिव चार्ज लोन पेयर हैज नथिंग टू डू विद द एरोमेटिसिटी ऑफ द सिस्टम, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज जो निगेटिव है वो क्यों फायदा उठाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। यू कैन नॉट से कि निगेटिव इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी उसकी वजह से थोड़ी ना आई है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस यस सर। हां यस सर। मतलब वो होता भी नहीं तब भी तो एरोमेटिक ही रहता वो। अब पहले से ही एरोमेटिक है, मतलब डिसीजन हो चुका है टेंपल जानना है, तुमको तो खाली बता रहे हैं वो, और तुम फैमिली मेंबर इसलिए साथ में चिपके हुए हो, बस वैसा है कि एरोमेटिक तो पहले से ही है, ओ माइनस केवल चिपका हुआ है, उसकी कोई वेटेज कोई इंपॉर्टेंस नहीं। कॉपी कर लो या लिख लो ऐसा, here we will not use the concept of aromaticity because aromaticity is not because of resonance of negative charge. क्या लिखना है? अरे यार जो बाकी लगाना यार अपना शुभम। Next lecture में इसको continue करेंगे और किसी को कोई डाउट हो तो देख लो एक बार पूछ लो। ये क्या किसी को वो चाहिए क्या स्क्रीनशॉट? हाँ हाँ नहीं तो रिकॉर्डिंग होता है सर, रिकॉर्डिंग है सर, तो कोई जरूरत नहीं है ना बाद में, आप किसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो रिकॉर्डिंग देख लेगा, चलेगा? यस यस सर। आपका भी टाइम है, बाय सर। चलो bye sir, thank you. Bye sir, thank you sir. Bye sir, thank you sir. Bye. Good evening. Bye sir. Bye. Good night.